महर्षि भारद्वाज वैदिक गुरुकुल लवकुश आश्रम बिठूर में 15 दिवसीय संस्कृत वाग्व्यवहार कार्यशाला का संचालन किया गया, जिसमें रामधाम आदर्श संस्कृत उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय बिठूर, श्री रामचंद्र आदर्श संस्कृत उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय मंधना तथा महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ सुधांशु आश्रम बिठूर कार्यक्रम की अध्यक्षता सुश्री गौरी मजूमदार, मुख्य वक्ता जगदानंद झा, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान प्रशासनिक अधिकारी मुख्य अतिथि श्री मुन्नालाल शर्मा, जिला संघ कानपुर पश्चिम, विशिष्टातिथि श्री प्रकाश झा, प्रांत संगठन मंत्री आचार्य अरुण कुमार द्विवेदी तथा गुरुकुल के प्रधानाचार्य श्री ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी उपस्थिति रहे। मंच संचालन श्री मनीष शर्मा, व्यवस्थापक आचार्य पंकज काकले, आचार्य गोपाल दहाल, संगीत आचार्य श्री दिनेश चंद्र यादव, ज्योतिष पंडित अशोक अग्निहोत्री आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इंडिया टॉप न्यूज कानपुर से संवाददाता रमेश वर्मा की खास रिपोर्ट। ये संस्कृत हमारी मातृभाषा है, इस पे आप देश के लिए कुछ जानकारी दीजिए। जी, संस्कृत एक प्राचीन परम प्राचीन भाषा है, हमारी जननी है। और इस संस्कृत विषय में वैसे सब आप सबको मालूम है, लेकिन जिस तरह से संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए उस ढंग से न हो करके पाश्चात्य परंपरा ज़्यादा हमारे देशों में आज इस समय विरसत है। इस संस्कृति के उत्थान के लिए संस्कृत जो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के द्वारा ये ऊपर आपने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, उनके अंतर्गत जो वाग व्यवहार कार्यशालाएं जो चल रही हैं, इस कार्यशालाओं में प्रतिनिधि करने का और यहाँ आयोजन करने का एक अवसर महर्षि भारद्वाज वैदिक गुरुकुल को मिला है। और यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। इस बिठूर क्षेत्र में तकरीबन 5 विद्यालय हैं, सभी 5 विद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं और उन सबको पिछले 15 दिनों से ये कार्यशालाएं चल रही थी, उसका आज सामूहिक रूप से समापन कार्य रखा गया है और उसी का आज समापन समारोह हम सब लोग मुख्य अतिथियों के बीच में हम लोग रह करके ये कार्य संपूर्ण करने जा रहे हैं। बस इसी के साथ ही मैं अपने शब्द